अब तक आपने देखा आप दोनों एक दूसरे के बारे में तीन बुरी बातें बताइए। जब मैंने प्रज्ञा के लिए कुछ करना चाहा, तो इसने मेरा साथ छोड़ दिया। आपको पता ना सर कि प्रज्ञा का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने उसे एक हार भी दिया था। हार से किए हुए बड़ो उसका रिश्ता। लखा, अरे लकी जी, किसी खास का इंतजार से के यू बस एक खेल है। तू जाने राणा भैया तने कितना प्यार करे, खेल में तो ये सब होता रहता है ना लकी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे भाई साहब, प्रज्ञा की खुशी के वास्ते मैं चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद उसे दें। रघु, सच पूछे तो मारा मन कतई राजी ना है इस ब्याह को लेकर। इन लोगों ने तो ब्याह जैसे पवित्र बंधन को गुड्डा गुड्डी का खेल बना दिया। जब इनका मन किया ब्याह कर लिया, जब मन किया रिश्ता तोड़ दिया। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं भाई साहब, आप पर क्या गुजर रही है वो दिख रहा है। और ये भी तो सोचिए भाई साहब कि हमारी प्रज्ञा इस शादी से नाखुश है। आप क्या चाहते हैं कि वो ये बोझ लेकर जिंदगी भर से ढोती रहे? नहीं ना भाई साहब, हमारे बच्चों ने बहुत सोच समझ के ही फैसला लिया से, और हम सबको उनकी सोच और फैसले की कदर करनी चाहिए। भाई साहब, भाभी, हम सब मिलकर इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे, तो फिर अब किस मुंह से मना करेंगे? यो सगाई तो हमको करनी पड़ेगी। पर एक बार वरदान के बारे में तो सोचो, उसके लिए कितना मुश्किल होगा यो सब। मालती, तू वरदान के बारे में जरा भी ना सोच, उसकी पूरी जिम्मेदारी मारी से। मालती, रघु ठीक बोल रहा है। एक वक्त था जब प्रज्ञा और वरदान के ब्याह को लेकर मैंने घना विरोध किया था, पर मैंने धीरे धीरे देखा से उसको, बहुत ही नेक छोरा से, और हमारा तो भाग्य है वरदान जैसा हमारा दामाद से। लेकिन कोई बात नहीं, वरदान के लिए हम बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे, उसका हम ब्याह करवाएंगे। यह सब तो ठीक है भाई साहब, पर कुछ भी आगे करने से पहले हमें वरदान और प्रज्ञा को कानूनी तौर पे अलग करना पड़ेगा। शादी होने से पहले, सगाई होने से पहले इन दोनों का तलाक होना घना ही जरूरी है, फिर ही आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसा है मालती, मारा राणा पूरी बात करके आया है इस बारे में। अन्यों बोल रहा था तलाक ते पहले दोनों लोग लुगाइयों ने, मतलब पति पत्नी ने एक ही घर में रहना पड़ेगा। अरे भी इन दोनों ने भी अपने रिश्ते बचाने के खातिर एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा, अपने रिश्ते भी सुधारने पड़ेंगे। प्रदान पे तो मने पूरा भरोसा है, वो तो अपने और प्रज्ञा के रिश्ते बचाने के खातिर पूरी कोशिश करेगा, पर उस छोरी प्रज्ञा पे मने कतई भरोसा नहीं है। वो तो तेजा के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगी रहेगी। अरे प्रज्ञा, तू तो घनी सुंदर लाग रही से। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो और दुनिया की सारी खुशियां ना तुम दोनों को मिल जाए। लाखा भाई, आप चिंता ही मत करो, मैं प्रज्ञा जी को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों कितने खुश नसीब कि आज तुम्हारी सगाई वैलेंटाइन डे वाले दिन हो रही से। इतने उतार चढ़ाव के बाद आज आखिरकार वो मौका आ ही गया कि तुम दोनों साथ हो जाओगे, और इसके बाद एक दूसरे का साथ हमेशा देना, है ना? और अगर तुम एक दूसरे के साथ हमेशा ही ऐसे रहे ना, तो हर दिन वैलेंटाइन डे से। पर इसके साथ मैं तुम दोनों को एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये जरूरी नहीं कि सगाई के बाद हर कोई तुम्हें अपना ले, क्योंकि ये गांव वाले भी हमारे परिवार की तरह तुम्हें 100 सवाल पूछेंगे। पर डरना मत,
हम घर वाले हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर इन गांव वालों के सवालों का जवाब ना तुम दोनों को अकेले देना सर। ये लाखा बधाई देने आए हैं डराने? और कदम से कदम मिलाकर चलना सर, जब तुम दोनों ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। भाई मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, पर आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं और तेजी जी हमेशा साथ रहेंगे, चाहे चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, है ना तेजी जी? जी प्रज्ञा जी, भगवान करे तुम्हें किसी की नजर ना लगे, काला टिक्का लगा लियो ठीक से। चलो अब तुम दोनों तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं बाकी तैयारी करूं ठीक से। भी गर्म लग रहा है, मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से अंगूठे एक दूसरे को पहना देते हैं इससे पहले कुछ और हो जाए। अरे वही क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? आखिर प्रज्ञा बेटी की सगाई है, अरे कुछ गाना बजाना होना चाहिए, कुछ हंसना हंसाना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, आज तो वो भी है ना, वो क्या बोलते है वो प्यार वाला दिन के? वैलेंटाइन डे माँ। भाई वैलेंटाइन डे है फिर खुशियाँ तो होनी चाहिए। तो प्यार करने वालों के लिए तो बहुत ही खास होता है, हमने तो खुश होना चाहिए कि प्रज्ञा इसी दिन अपने प्यार करने वाले से सगाई कर रही है। तुमने सही कहा पढ़ो, ये वगैरह सारे लोग आ गए हैं और अंगूठियां भी आ गई हैं, तो क्यों ना सगाई शुरू करें। ये तो बहुत टाइट से। कोई बात नहीं, आप मुझे पहना दीजिए। तो बहुत बहुत टाइट से। ये क्या बोल, तूने इन दोनों की छापे अपने सुनिया से ना बनवाई? हालांकि जी मैंने तो इन दोनों का नाप हमारे ही सुनार को दिया था, पर उसने बोला कि उसके पास इनके ही नाप की तैयार अंगूठी थी, तो वो भेजेगा, पता नहीं गड़बड़ किसे होगी। अंबे राणा के बापू, कितना ऐसा तो नहीं भगवान इसी बहाने हमने इशारा कर रहा हो? कमला मैंने यो सब तो ना बेरा, पर ये जो कुछ भी हो रहा ना ये मने सही ना लग रहा। भाई शो किसी की गलती ना से, जो तो भाभी ने जान पूछ के किया, ये तो चाहती ना ना कि मारी और तेजी जी की बोलने दीजिए कि हमारी सगाई हो, इसीलिए इन्होंने ये जान पूछ के किया। आप प्रज्ञा मन ने ऐसा कुछ ना किया लक्की जी, इसने बोलो ना मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे बस भाभी आप चाहते ही ना हो कि मारी सगाई हो जाए,
इसीलिए ना आपने जान पूछ के ये हरकत करके हमारी सगाई बिगाड़ दी। बस प्रज्ञा भाई, अरे बावड़ी हो गया तू, इसमें कोई दो राय ना से कि बड़ो खुश ना से सगाई से, पर इसने इसने इस सगाई के चक्कर में ना वो हर काम किया से तेरी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए। अगर तने दिखाई ना दे रहा ना तो एक बार आंखें उठा और देख इस सारे सजावट को जो अकेली बड़ों ने किए। प्रज्ञा, लाखन ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, तो हमारे परिवार की एक अहम सदस्य से हम सबकी चहेती है, हम भला तेरे लिए क्यों बुरा चाहेंगे, जो भी चाहेगा तेरी भलाई के लिए चाहेगा बस। हाँ बेटा, और ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं, भले बड़ों ने सुधार को सही नाप दिया होगा पर उसने कोई गड़बड़ कर दी होगी। तुम्हारे को याद ना है जब बड़ों लखा की सगाई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। हम भाइयों ठीक से परीब क्या करें? अब ला दे अपनी रिंग दे, मैं कुछ करता हूं। लागे से बड़ों को बुरा लग गया। देखो मैं तो न्यू कहूं हूं राणा के बापू, मेरी मानो तो इस सगाई ने टाल। ताई जी माफ करना, ताई जी मैं आपकी बात को काट रहा हूं, पर सगाई तो आज ही होगी। आप सब लोग यहां रुकिए, मैं नई अंगूठी का इंतजाम करता हूं। बैठा बैठा सुनार की दुकान तो बहुत दूर है, तू जाएगा अंगूठी लेकर आएगा तब तक घड़ी देर हो जाएगी। लियो जी सगाई तो आज ही होगी। वहां पर तुम तो कमाल कर दिया, ये प्रज्ञा कर ले अपनी सगाई। ये इतनी जल्दी तू रसोई चली गई, के जादू करके लाई अंगूठियों में? कुछ नहीं बाबूजी, मन ने बस अंगूठियों को काट दिया ताकि दोनों को आ जाए। बड़ो ना तारे पास हर चीज का उपाय है। अब तो खुश है ना प्रज्ञा, थारी सगाई हो गई। और थारी इस खुशी को बढ़ाने के लिए मैंने एक काम और किया है, वो ये कि थारा मन पसंद खाना बनाया है। चलो सब मिलके खाना खाते हैं। आ जाके ने इतना भला बुरा बोल दिया, तूने उसकी बात को बुरा ना माना। ये बात बोलूं तने, तूने सच में वर्ल्ड की बेस्ट पत्नी से। प्रज्ञा की तरफ से मैं तेरे से माफी मांगे। ना लगे जी। अरे हम क्या कर रहे हो लगे जी, सब देख रहे हैं। सब कौन, यहाँ तो कोई ना से। मैंने रसोई जाना है, ढेर सारा काम है। अरे लकी जी सुनो। क्या हुआ? मैंने याद आया कि तितली जल्दी आ जाएगी, उसके बाबूजी की तबीयत अभी ठीक है। हे भगवान, अब तूने इतने खुशी के मौके पे उसका नाम कहाँ से ले लिया? अरे उसका नाम सुनते ही ना मैं परेशान जाता। परेशान क्या हो ना लकी जी, असली परेशानी तो तब होगी जब वो हमारी परीक्षा लेगी। अरे लेने दे, जोन सी परीक्षा लेती है, अपने नंबर फुल्स हैं, हम तो पास होंगे।
भाभी किस सोच में पड़े हो? अब जो कुछ भी हो रहा है ना भगवान पे छोड़ दो। हम वह कौन दमक गया इस टाइम? मैं भी देखती हूँ। ना ना बढ़ो, तू मत जा। दानी कौन होगा इस वक्त? कौन बावला ऐसे इतनी रात को जो जोर जोर से दरवाजा खड़का रहा है? लखन, ध्यान से छोरे। अरे माँ चिंता ना कर। गया ही बता ही नहीं आया। उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी अरे उड़ी रे उड़ी तितली। राम राम मासी मेरा। राम राम तितली। राम। अरे मां कहा था ना कि कोई बावला ही होगा जो इतनी रात को इतनी जोर जोर से दरवाजा खड़का रहा होगा, है ना? देख लखा, अंधे तो मारे तक लड़ाई करने की जरूरत ना सतन। और क्या करती मैं जब आ गई थी तो एक बार तो ना बैठी रह सकती थी ना। हाँ मानने हूँ कि थोड़ी देर होगी और इसीलिए दरवाजा जोर जोर तक खटखटा रही थी कि कोई आ जाए और दरवाजा खोल देवे। अरे वाह, तितली के रूप में कबूतरी, बातें तू बहुत अच्छी करे। अच्छा वो छोड़, तू तो कल आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे लाखा, ये तू भी उसके आते ही पीछे पड़ गया है। जरा सांस तो लेने दे छोरी को। आजा छोरी, पहले कुछ खा ले। मां जी खाना तो मैं भर पेट ढाबे पे खाई आई थी। अब तो मैंने घनी नींद आ रही है, सोन चली जाऊं के मैं। अच्छा पहले यूं तो बता, राम भाई साहब कैसे हैं? बाबूजी तो कति ठीक से, जिबे तो मैं यड़े आ गई, नहीं तो मैं क्यों आती? अच्छा होता अगर ना आती, कम से कम हमारे घर में एक मुसीबत तो कम हो जाती। जीती रे, काश मैं ऐसे बोल पाता के लगा कि तू मैंने ऐसे बच्चों की तरह ड्राई की और मैं डर जाऊंगा। अरे पहलवानों सामने वाले की आंखों में पढ़ लेवे हूं कि वो कौन सा दाव चलने वाला है। मैं भी कमाल की एथलीट हूं, बिजली की तरह काम करूं सो। जब तक सामने वाला यू समझ पावे सा ना कि उसकी गेला के बनी, जब तक तो उसका काम तमाम हो जावे सर। अच्छा घनी नींद आ रही से मन, कल ते हमारी ट्रेनिंग भी शुरू से, कल मिलेंगे। क्या हुआ छोरी? पहले तो तू हमारी परीक्षा लेने वाली थी ना। ना लेना मन ने थारा टेस्ट और ना लेनी थारी परीक्षा। के धीमे धीमे के बोल रही है, जोर लगा के बोलना। अरे वो कैसे ना बड़ो जो ढाबा में खाना खा के आई से ना, वो तो ही पच गया। एक काम कर, जो भी रसोई में खाना पड़ा से ना वो इसको प्लेट में डाल के दे दे, ठूस लेगी। लाखा तू पीना हो गया के थारा को मैं डिसो ना? तो इस सारे नु मेरी बात सुन लो कि ना लेना मन ना थारा कोई टेस्ट, ना लेनी थारी कोई परीक्षा। क्यों? मालती मां जी आप या बात मारे बापू जी तभी बता दियो, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। अरे अच्छा हुआ कि तूने मने वो खुशखबरी दे दी। वो कैसे ना कि हम थारी परीक्षा से बहुत डर रहे थे। डर तो छोरे थारा जमा सच्चा था। एकदम न्यू समझ लो कि मारे बापू की दया था तुम बच गए, जी लो अपनी जिंदगी ने। अच्छा जाके सो जा। अरे माँ घर के पंखे बंद कर दो। वो कैसे ना कि घर में एक कबूतरी घुसाई से। तू भी ना पीछा ना छोड़ता उसका, चल। ये कबूतर भी ना खड़ी बावली से मारे को डराने की कोशिश कर रही थी, मार पिद्धी कहेंगी। पिद्धी जरूर होगी पर डराने धमकाने में किसी से कम ना है। यो क्या फुसफुसारी से बड़ो तू? कुछ नहीं लक्की जी, मैं बस कह रही थी कि तितली वापस आ गई तो अच्छा हुआ ना। अच्छा हुआ तो बावली होगी से। इब देख जब वापस आ गई से ना हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। लक्की जी आप माँ जी के बारे में तो सोचो, उन्होंने तितली के ब्याह की कितनी चिंता हो रही से। आप देखना हम तितली ने अच्छे से ट्रेनिंग दे देंगे और उसने भी एक अच्छा छोरा मिल जाएगा। छोरा?
अरे मने तो लग रहा से अच्छा छोरा छोड़, फिर छोरा भी ना मिलेगा। और तुम्हारी बात मान, जो भी पहला छोरा मिले से ना उसे उसका ब्याह कर देना। अरे बाद में वो छोरा देखे या फिर यो कबूतरी। लक्की जी, शादी ब्याह के बारे में कभी मजाक नहीं उड़ाते। आपने मालूम है, जब मेरा ब्याह कहीं तय नहीं हो रहा था तो मेरे घर वाले भी घने परेशान थे। पायल भाभी ने तो कोई कसर ना छोड़ी कि जल्द से जल्द मेरा ब्याह हो जाए। अरे बड़ो, हरी बात कुछ और थी। अरे तू समझदार तो थी ना, इस बावड़ी को यू नहीं पता कि किससे क्या बात करने से था। तभी तो हम उसने ट्रेनिंग देंगे। देखो मेरी किस्मत किसे चमक गई, उसी तरह तितली की भी किस्मत चमक जाएगी और उसने आप जैसा अच्छा पति मिल जाएगा। तू तो ऐसा ना बोल, मैंने तो अभी से ना उस छोरे की चिंता हो रही से कि उसका क्या होगा। बेचारा तितली का तितला। अच्छा तो मेरे ते ब्याह करके आपको भी इसी बेचारगी सी महसूस हो रही है। हाँ अब अगर तुझे मारे हालातों का पता से तो तू पूछ क्यों रही से। अरे अरे तू भी उस बावली की तरह बावली बन जाए। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मजाक कर रही थी लक्की जी, आप तक किसे रूठ सकूं।